स्याही को अंग्रेजी में कहते हैं इंक, हर घर में होता है एक सिंक, आंख मारने को कहते हैं विंक, और आज रिलीज हुई है द स्काई इज पिंक, जिसे डायरेक्ट किया है सोनाली बोस ने, और इसमें आपको दिखेंगी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, और एक्टिंग करियर को अलविदा कह चुकी ज़ायरा वसीम, उनके साथ फरहान अख्तर, और उनके साथ रोहित सरफ, और बस यही है। मैंने बहुत लव स्टोरीज देखी हैं, लेकिन मेरी फेवरेट लव स्टोरी जो थोड़ी ट्रेजिक भी है मेरे पैंडा और मूज की है। कहानी एक छोटी सी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जिसे एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और जो कि जानलेवा है। उसके माँ बाप ये चाहते हैं कि वो सब कुछ करे और अपनी बेटी की जान बचा लें ताकि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने रहे। बेटी का किरदार निभा रही है ज़ायरा वसीम और माँ बाप का किरदार निभा रहे हैं फरहान अख्तर और प्रियंका चोपड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया की श्रीपर्णा सेन गुप्ता ने इस फिल्म को दिए 3.5 स्टार्स, और वो कहती हैं अगर आपको लगता है कि फिल्म देखकर आप रोओगे आंसू बहाओगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिल्म की कहानी और डायलॉग्स काफ़ी बैलेंस्ड हैं जो कि इमोशनल सीन्स को भी आप तक बड़े लाइट हार्टेड वे में पहुंचाते हैं। आदित्य यानी प्रियंका चोपड़ा और निरन यानी फरहान अख्तर की जो लव स्टोरी है वो फन एलिमेंट लेके आती है फिल्म, और उसकी केमिस्ट्री भी। स्क्रीन प्ले थोड़ा सा फोकस्ड हो सकता था और कुछ हिस्सों को थोड़ा ज़्यादा ब्रीदिंग टाइम दिया जा सकता था, पर कमाल की एक्टिंग आपको हुक्ड रखेगी। प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर और ज़ायरा वसीम ने कमाल की एक्टिंग की है, 3.5 स्टार्स। साल 2014 में सोनाली बोस ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ। वो फिल्म जो थी ना साहब काफ़ी फनी थी और काफ़ी हौसला बढ़ाने वाली फिल्म थी, साथ ही फिल्म सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी को काफ़ी करीब से दिखाती है। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ऐसा ही कुछ देखना चाह रही थी इस फिल्म में, इधर आ जाए, पर उन्हें मिल नहीं पाया क्योंकि फिल्म के कुछ हिस्से अगर छोड़ दें तो सब कुछ काफ़ी सेंटिमेंटल है और कंस्ट्रक्टेड है। मतलब ज़ायरा वसीम ने कमाल की एक्टिंग की है, उन्हें रोहित सरफ काफ़ी सपोर्ट करते हैं, दिक्कत है ना तो वो है फरहान अख्तर और अभी निकल फरहान अख्तर और प्रियंका चोपड़ा की केमिस्ट्री में। मतलब प्रियंका चोपड़ा काफ़ी इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ती हैं और फरहान अख्तर बहुत ही लेट बैक है, इसलिए शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को दिए 2 स्टार्स। NDTV के साहिबुल चैटर्जी जिन्होंने इस फिल्म को दिए 3.5 स्टार्स फरमाते हैं कि फिल्म है तो 14 साल की एक बीमार बच्ची के बारे में, पर फिल्म की मुख्य स्टार हैं प्रियंका चोपड़ा जो कि बॉलीवुड में इस फिल्म से अपना कमबैक कर रही है। फिल्म में ये दिखाया गया है कि डेथ इज नॉट द एंड और जो चीज़ होनी है वो होगी ही, उससे डरना नहीं चाहिए। फिल्म में कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो अमूमन आपको हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिलती, जैसे कि एक लड़की का अपने माता पिता की सेक्स लाइफ के बारे में बात करना। फिल्म को मिस नहीं किया जाना चाहिए, 3.5 स्टार्स। मुंबई मेरठ के कुणाल गुहा ने इस फिल्म को दिए 3.5 स्टार्स और वो कहते हैं कि फिल्म के राइटर चूही चतुर्वेदी और नीलेश मानियार ये सुनिश्चित करते हैं, दे मेक श्योर कि कहानी जो है सब्जेक्ट की वो आप तक सीधी और साफ तरीके से पहुंच जाए। ज़ायरा वसीम ने कमाल का काम किया है, मतलब अगर वो हल्का सा ज़्यादा चेयरफुल होती तो वो आनंद की राजेश खन्ना होती, और अगर उनकी हल्का सा वो सैड होती तो वो कहानी में फिट नहीं हो पाती। बिल्कुल एप्ट एक्टिंग की है लड़की ने, फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए, जाके देख के आइए 3.5। तो 4 रिव्यूज के हिसाब से फिल्म द स्काई इज पिंक को मिलते हैं 3.1 स्टार्स, और जाते जाते बॉलीवुड शायरी मेरे जनाब, आजकल के गायकों को देख कर मेरे दिल ने फरमाया, आजकल के गायकों को देख के मेरे दिल ने फरमाया मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। तो अगर आपको शायद की घटिया शायरी पसंद आई तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी घटिया शायरी कह दीजिए और लाइक करना ना भूलें, और जाने से पहले बीबीसी हिंदी का फेसबुक पन्ना लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, बाय बाय, थैंक यू भाई शायद।